जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में दो आतंकी मार गिराए। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और जो अभी तलाशी अभियान चल रहा है उसमें और क्या चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे दो मिलिटेंट मारे गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। समझा यही जा रहा है कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन किया तो मिलिटेंट घर से बाहर आए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और दोनों मिलिटेंट मारे गए। अभी बॉडीज जो है वो हैंड ओवर नहीं की गई है उनके रिश्तेदारों को या घर वालों को। तो अभी लेटेस्ट यही है कि कुछ लोग निकले, नौजवान निकले और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा के बाहर प्रोटेस्ट किया और वो बॉडीज की डिमांड कर रहे हैं। और जहां तक मिलिटेंटों का ताल्लुक है, दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट है। एक की शिनाख्त जो है लियाकत के तौर पे हुई है और लियाकत जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है और काफी टाइम से वो एक्टिव था और दोनों की तहवील से जो है हथियार बरामद किए गए हैं। जी रिफत, ये जो दो आतंकी पकड़े गए हैं, इनको जो ये ढेर किया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए और क्या रिकॉर्ड था इन लोगों का? देखिए, हालांकि उतने जो है पॉपुलर दोनों या ये समझा जाए कि ज्यादा सक्रिय नहीं थे। दोनों मिलिटेंट जो है एचएम के हैं और यहाँ पे जो है तकरीबन एक साल से वो एक्टिव थे और आज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जब सुबह पता चला कि यहाँ पे छुपे हुए हैं मिलिटेंट, फौरन कॉर्डन किया गया। कल भी एक ऑपरेशन जो है वो भी साउथ कश्मीर में हुआ, त्राल एरिया में, तो एक मिलिटेंट मारा गया और आज दो मिलिटेंट मारे गए। और ये समझा जा रहा है कि तकरीबन 20 दिनों में तकरीबन 25 के करीब जो है वो मिलिटेंट मारे हैं अलग अलग एनकाउंटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका।